हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट में ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं और मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाता है और सॉल्व किया जाता है। आज हम उसके चलते बात करेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी काउंट करेंगे। तो हम पहले एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड करना है तो मैंने 2+2 डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना है वो मैंने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस वन। तो 4 3 3 माइनस एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 3 - 8। नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड हेंस x इज इक्वल टू +(-2√2। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। ऐसे ही हम एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पहला वाला पार्ट करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन है वो सम है, वो करने का ट्राई करते हैं अभी। ये क्या, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि a इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा, उसके बाद sin थीटा और cos थीटा। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। a इज इक्वल टू cos इंटू cos, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, आंसर इज 1। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही हम आगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर सम नंबर 4 है और ऐसे ही सम नंबर 3 है। दोनों सम नंबर 3 2+2 के लिए दिया है, जब सम नंबर 4 3+3 के लिए दिया है। तो बात तो एक ही है, जरा करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या बोला है कि a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन शो दैट द 3 × a डिटरमिनेंट, यहाँ पे हम मॉड्यूलस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो हमको पहले तो क्या चाहिए, पहले LHS में दिया है कि 3 × a, 3 × a मतलब हर एक एलिमेंट को, हमने मैट्रिक्स में बात की ऐसा कुछ दिया है तो हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्या करेंगे, 3 × a, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 4 3 12, ऐसा हम मैट्रिक्स में कर देंगे। ठीक है, पर LHS दिया क्या है एक्सैक्टली, डिटरमिनेंट ऑफ 3 × a। अब इनको डिटरमिनेंट में भी कन्वर्ट करना है तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। यहाँ पे आपको ध्यान से देखने को आएगा कि यहाँ पे मैंने बॉक्स पैटर्न में लिखा था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या हुआ है, मतलब ये कन्वर्ट किसमें हो गया, डिटरमिनेंट में। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 × मैंने बताया था पहले प्लस वाला साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा करेंगे तो बाकी क्या रहा, 3 6 0 12 ये हो गया माइनस, ये जीरो है तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सारे टर्म जीरो ही होंगे। तो मैं लास्ट वाला टर्म मतलब ये 3 लिखना चाहूंगा, प्लस आएगा और इसमें क्या लिखोगे, 0 3 0 0 0 3 0 0 3 × 36 - 0 ये जीरो हो गया, प्लस 3 × 0 - 0 तो ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 3 × 36 = 108 आता है, यहाँ पे ये टर्म हो गया जीरो, तो 108 में लिख दिया, हमारा LHS कितना हुआ 108। अब हम ट्राई करेंगे RHS के लिए। RHS से बोला है 27 × डिटरमिनेंट ऑफ a, तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a ढूंढ लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × मैंने बताया था 1 × 1 2 0 4, ये जीरो है तो हम आगे कर नहीं करेंगे, लास्ट वाला प्लस 1 करके 0 1 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 × 4 1 4 4 - 0 प्लस ये 1 × 0 - 0, तो आंसर इज 4। अब RHS लिखेंगे हम, RHS इज इक्वल टू 27 × डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 27 × 4 हो गया। क्यों 4 हो गया, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना मिला है,
4, तो ये क्या हो जाएगा 108। हमारा LHS का भी आंसर कितना आएगा 108। Hence LHS is equal to RHS। Then after क्या प्रूफ हो गया हमारा कि 3A is equal to 27A। गुजकेट की एग्जाम में कई कबार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हमको ध्यान रखना है। ऐसा ही सम नंबर 3 है, वो आपको होमवर्क में करना है खुद से। वो 2x2 मैट्रिक्स के लिए दिया गया है, तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आपको डायरेक्टली सम नंबर 6 में भी बोला है कि इफ ए इज इक्वल टू समथिंग, पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ, तो फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो वो भी आप खुद से कर सकते हो। सम नंबर 7 में एक्स फाइंड करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 अभी लिया ये वीडियो में, ऐसे ही आपको सम नंबर 7 भी करना है। 7 और 8 आप खुद से कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा 4.1 खत्म होता है, और अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसके चलते हम कई एग्जांपल भी दिए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन अटेंड करेंगे, और क्या क्या प्रॉपर्टी किस जगह पे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।